क्या पाकिस्तानियों के लिए कतर का वीज़ा अन अराइवल बेस पे है? क्या कतर का अन अराइवल बेस पे वीज़ा लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जिससे हम कतर का अन अराइवल बेस वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इस इन्हीं टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यार फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज जो कि हमारा पहला क्वेश्चन कि कतर का अन अराइवल वीज़ा हम पाकिस्तानियों के लिए है, जी हाँ बिल्कुल है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे कतर का अराइवल वीज़ा हासिल कर सकते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं। तो जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक जिस भाई ने अभी तक मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए यूट्यूब पर निस बार व्लॉग लिखो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात, कतर का ऑन अराइवल बेस पे वीज़ा हम बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जिनमें से नंबर वन डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका पासपोर्ट होता है। वो तो आप जब ट्रैवल करते हैं आपके लिए ज़रूरी होता है, बेनिफिशियरी होता है। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ है, आपको एक होटल बुकिंग करनी पड़ेगी कतर में, जो कि इनकी ऑफिशियली एक वेबसाइट है, उसी के ज़रिए जाके आप बुकिंग कर सकते हैं, जो कि डिस्कवर कतर के नाम से है। आप जाएँ डिस्कवर कतर पे जाएँ, उसमें एक प्रॉपर कैटेगरी इसी की बनाई गई है कि आप होटल बुकिंग उससे करें। और थर्ड नंबर पे जो आपको चीज़ दरकार होगी वो आपका पोलियो कार्ड होगा, जो इंतहाई ज़रूरी है, और उसके अलावा आपका वैक्सीन कार्ड, और उसके अलावा आपका रिटर्न टिकट। ये चार से पांच चीज़ें ज़रूरी हैं कतर का ऑन अराइवल बेस वीज़ा हासिल करने में। आप आएँ, आपकी होटल बुकिंग हो तो मस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपको इधर उधर पाकिस्तान से तो अगर आ भी जाते हैं तो इधर बोर्डिंग क्लियर करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं है तो आपको वापस डिपोर्ट करने के भी चांसेस होते हैं। इस वजह से पहले होटल बुकिंग करें, और वो भी सिर्फ अलाउड है डिस्कवर कतर से, जो कि आप बुकिंग करते हैं उसी में। तो आए कतर, इंजॉय करें, घूमें फिरें, 8 से 10 दिन के लिए आएँ, 20 दिन के लिए आएँ। उसके अलावा हया वीज़े पे भी आ सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके अलावा वर्क वीज़े पे भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वर्क वीज़े पे कैसे आते हैं। और अगर इस वीडियो को लेके किसी भाई का कोई कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे बिला जी जो पूछ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँ कि हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइए जो भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।